यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीरें पूरी तरह से अब फाइनल हो गई हैं। इंडिया गठबंधन में मची रसाकसी के बीच उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर आई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने इसे गठबंधन के सौहार्दपूर्ण शुरुआत बताया और दावा किया है कि उनकी पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारों का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष ने लिखा है कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्द पूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। सपा कांग्रेस ने कांग्रेस को लेकर डील पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया है। इसमें से 2 सीट तो रायबरेली और अमेठी मानी ही जा रही है। इसके अलावा 9 अन्य सीट कौन सी दी गई हैं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पश्चिमी यूपी और 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसमें से 1 सीट अमरोहा की भी हो सकती है, जहां कुंवर दनिश अली सांसद हैं। उन्हें पिछले महीने दिसंबर में ही बसपा से निष्कासित किया गया था। पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी कांग्रेस को सीटें दी जा सकती हैं। सपा अध्यक्ष ने पहले भी कह दिया है कि वो इस महीने के आखिरी तक सीटों का फैसला ले लेंगे और सपा की ओर से इसका ऐलान भी हो गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल हुई है। राहुल गांधी अमेठी में भी चुनाव हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस।